नमस्कार, मैं अजय कुमार मित्तल। आज हम वैदिक गणित का तीसरा सूत्र उसके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा सूत्र है ऊर्ध्वत्रिकाभ्यम। और जैसा कि पीछे हमने एक वीडियो में दो संख्याओं की गुणा करने सीखी थी, जिसमें कि वो संख्याएं 10 या 10 की घात की किसी संख्या के बिल्कुल निकट थी, तो उस केस में हमने निकलम सूत्र का इस्तेमाल किया था और विचलन ज्ञात करते हुए हमने त्रियक समायोजन के माध्यम से गुणा करने सीखी थी। अगर आप उसको दोबारा सीखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए लिंक पर आप दोबारा से जाकर के उसका अध्ययन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जरूरी नहीं है कि हर संख्या 10 की घात के निकट ही हो, कुछ संख्याएं उससे दूर भी हो सकती हैं। मान लीजिए 50, 500, 400 इस तरीके से किसी और संख्या के निकट हो, तो उसको हमने उपाधार मानते हुए वहाँ अनुरूपीण का भी इस्तेमाल किया था। और अनुरूपीण में आपने देखा था कि बहुत सारे चरणों का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि एक बहुत जटिल सी प्रक्रिया है। उस वीडियो को अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए लिंक पर आप जा करके उसको दोबारा से समझ सकते हैं। तो अगर संख्या कोई भी है, 10 या 10 की घातांक से की संख्या से थोड़ा दूर भी है, तो उस केस में एक जो हमारा तीसरा सूत्र है ऊर्ध्वत्रिकाभ्यम, उसके माध्यम से अगर हम गुणा करें तो आप देखेंगे कि वो गुणा बहुत सरल लगती है और व्यवहारिक भी है। तो चलिए आज कुछ उदाहरणों के साथ उस गुणा को समझते हैं। अब जैसा कि सूत्र के नाम से स्पष्ट है, ऊर्ध्वत्रिक, ऊर्ध्व माने खड़ा, त्रिक माने तिरछा। अब तिरछा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो हम यानी कि एक तो ऊर्ध्व और एक त्रिक, इन दो तरीकों से हम संख्याओं को आपस में समायोजित करेंगे और फिर दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याओं के बीच गुणा करना सीखेंगे। तो चलिए एक सरल सा उदाहरण लेते हैं। आज हम दो संख्याएं लेते हैं जिनमें दो ही अंक हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या है हमारे पास 46 और एक संख्या मान लीजिए हमारे पास 73। हमें इन दोनों संख्याओं की गुणा करनी है। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों संख्याएं चूंकि 10 की घात के निकट ना दिख करके थोड़ा सा दूर दिख रही है। देखिए ये 50 के निकट है और ये दूसरी संख्या जो है वो 100 से लगभग 30 दूर है, 27 का अंतर है। तो ऐसे केस में अगर हम अनुरूपीण लगाते हुए निकलम का इस्तेमाल करें तो एक काफ़ी बोर प्रक्रिया सी लगती है, लेकिन ऊर्ध्वत्रिक से ये एक लाइन में आंसर आएगा। और कैसे आएगा, हम देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ऊर्ध्व। ऊर्ध्व माने आप देखिए, अगर किसी एक संख्या के ऊपर दूसरी संख्या लिखें जैसे 3 और 4, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊर्ध्व कही जाएंगी। लेकिन अगर मान लीजिए इन दोनों संख्याओं के बीच देखें हम, तो 3 और 6 ये दोनों तो ऊर्ध्व हैं, इसी तरीके से 4 और 7 ये दोनों भी ऊर्ध्व हैं। तो हमें उन गुणा करते समय ऊर्ध्व को ढूंढना है और त्रियक तिरछे मिलेंगे। तिरछे देखिए आप, तिरछे पेयर अगर बनाए हम तो 4 और 3 का पेयर है, 6 और 7 का पेयर है। यानी कि हमको यहाँ पर दो कॉलम ऊर्ध्व दिखाई दे रहे हैं और दो ही पेयर के रूप में त्रियक तिरछे अंक दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ हमें एक तरीके से हमारा जो रिजल्ट आने वाला है, उन दोनों की गुणा करके जो परिणाम प्राप्त होने वाला है, उसमें हम पहला ऊर्ध्व और आखिरी ऊर्ध्व, इन दोनों को हम पहला आखिरी दो भागों में व्यक्त करेंगे और बीच में हम इन दोनों की जो तिरछे पेयर देख रहे हैं इनको आपस में समायोजित करते हुए तब हम लिखेंगे। यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर 3 भागों में प्राप्त होगा। तो 3 भागों में कैसे प्राप्त होगा, देखिए करते हैं। फिर से मैं इस संख्या को थोड़ा इधर लिख देता हूँ। एक संख्या थी हमारी 46, तो मैंने थोड़ा सा दूर करके लिख दिया है। दूसरी संख्या हमारी 73 है। अब हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले लेते हैं पहला ऊर्ध्व। तो पहला ऊर्ध्व में हम इधर से पहला ले रहे हैं, तो 3 और 6 इन दोनों की गुणा कर दीजिए आप, 3 6 18। अभी मैंने हासिल का इस्तेमाल समायोजन नहीं किया है, मैंने पूरी पूरी संख्या लिख दी है, 3 6 18। और इधर 4 7 28, ये अंतिम भाग होगा। अब बीच में क्या आएगा, तो उसको देखिए हम यहाँ पर त्रियक, क्योंकि किनारे पर तो हमने ऊर्ध्व गुणा कर लिया है, अब तिरछी गुणा करनी है। और तिरछी गुणा में हमें पेयर मिल रहे हैं 2, एक 4 और 3 का है और एक 6 और 7 का है। अब आप देखिए यहाँ पर दोनों को आपस में गुणा करते हुए जोड़ करके लिखना है, तो 3 चौक 12, 4 3 12 कह दीजिए, या 6 7 42, या 7 6 42 कह दीजिए। तो 12 इधर की गुणा है और 42 इधर की गुणा है, 42 और 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 54।
42 और 12, तो ये हो जाएंगे 54। तो इसको आप बीच के भाग में लिखिए और अब हासिल को समायोजित करिए, तो 18 का 8 रह जाएगा, हासिल 1 जाएगा, तो ये 54 में 1 जुड़ करके 55 हो जाएगा, 55 का 5, हासिल लगे 5, 5 चला जाएगा 28 में, तो 28 और 5 33, तो हमारा आंसर हो गया 3358। आप देख रहे हैं एक लाइन में हमारे पास आंसर आ गया, देखिए कितना सरल। एक और उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक उदाहरण लेते हैं 97 और एक मान लीजिए हम लेते हैं 93। अब देखिए इसको हम दो तरीके से गुणा कर सकते हैं, जैसा कि पीछे हमने निकलम का इस्तेमाल किया था, ये 10 की घात निकटतम संख्या 100 दिख रही है हमको, तो 100 से इसका हमने अंतर लिया था, तो इसका अंतर हमारा बैठा था 12-3 और इसका अंतर बैठा था 12-7, तो ये दोनों का विचलन आ गया था। और अब हमने क्या किया था, चूंकि दो शून्य थे इसलिए हमने पहले भाग में दो अंकों की गुणा करी थी, तो जो विचलन आया था इनकी गुणा कर दीजिए चिन्ह सहित के साथ, तो जो विचलन आया था इनकी गुणा कर दीजिए, 7 21 प्लस में 21 हो जाएगा, दो अंकों में लिखना है इसलिए दो अंक 21 में आ चुके हैं। और अब केवल त्रिक समायोजन करना था, तो 97 में 7 माइनस कर दीजिए, 97 माइनस 7 हो जाएंगे 90, तो 9021, या 93 में माइनस 3 समायोजित करके तो भी 90, तो 9021 हमारा आंसर आ गया। अब इसी गुणा को अगर हम पूर्ण त्रिक से करें 97 और 93, तो यहाँ हमें पहला गुणनफल करना होगा पूर्द का 3 7 21, मैं अभी हासिल सहित लिख रहा हूँ संख्या। फिर इधर अब तिरछा, चलिए लास्ट का ले लेते हैं पहले, 9 81 इधर आएगा, और अब तिरछक त्रियक ले लेते हैं, तिरछी गुणा, तो 9 3 27 और 9 7 63 63 और 27 जोड़ेंगे आप, तो ये आ जाएगा 90, तो यहाँ 90 आ जाएगा। अब आप इनके हासिल समायोजित कर लीजिए, तो 21 का 1, हासिल लगे 2, 90 2 92, 92 का 2, हासिल लगे 9, 81 81 और 9 90, आप देखिए वही संख्या आ गई 9021। तो इस तरीके से एक लाइन में हमारा आंसर आ गया। तो ये वाला जो निकलम था और ये हमारा ऊर्ध्व त्रियक अभ्यम, ये आप देख रहे हैं कि ऊर्ध्व त्रियक अभ्यम हमारा इन संख्याओं पर भी एक ही लाइन में सीधे आंसर दिखा रहा है, जबकि इस क्वेश्चन को अगर हम निकलम सूत्र से हल करते तो यहाँ अनुरूपण भी हमें इस्तेमाल करना होता, जो कि बड़ी जटिल प्रक्रिया हो जाती। तो ऊर्ध्व प्रक्रिया का भ्रम आप दो संख्याओं के बीच, चाहे वो 10 की घात के निकट हो या उससे दूर हो, किसी भी परिस्थिति में आप इस गुणनफल का, इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी तरफ से कोई भी संख्या मानिए और दो दो अंकों की संख्या लेकर के आज इसी का अभ्यास करिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने जो आपको बताया है वो दो, पहला ऊर्ध्व और आखिरी ऊर्ध्व, उन दोनों को हमने किनारे पर समायोजित सजा करके, और बाकी त्रिक गुणा को हमने बीच में लिखा है। अगर इसको स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें तो आप पहले यानी कि किनारे पर, जो कि अंतिम भाग है संख्या का, हम अंतिम से शुरू कर रहे हैं, अंतिम से यानी कि दाएं से बाईं ओर, तो उसमें आप देख रहे हैं कि अंतिम अंकों का यानी कि अंतिम कॉलम का या अंतिम ऊर्ध्व अंकों का पहले गुणनफल करिए, उसके बाद फिर त्रियक का समायोजन करिए, और त्रियक समायोजन के बाद, चूंकि सभी त्रियक समायोजित हो चुके हैं इसलिए अब केवल प्रथम जो पहले पहला ऊर्ध्व कॉलम है उसके अंकों का ऊर्ध्व गुणनफल कर दीजिए, यानी कि दाएं से बाईं ओर चलते हुए आप इस तरीके से संख्याओं को क्रमित रूप में आप हल करते चलिए। अपने दिमाग में जितना आप क्वेश्चंस लेकर के अभ्यास करेंगे उतना ही आपका ये जो सूत्र है अप्लाई करने का जो तरीका है ये आपका क्लियर होगा। एक चीज और देखिए यहाँ पर कि हमने जो दो संख्याओं का गुणनफल किया है, यहाँ ऊर्ध्व और त्रियक संख्याओं का पेयर बना के किया है। ये जो पेयर बना रहे हैं हम, ये यहाँ पर दो अंकों की संख्याओं में तो सीधे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर दो से अधिक अंकों की संख्या होगी तो जरा उसमें पेयर किस तरह से बनेंगे, आइए उसको समझते हैं। देखिए आज हम पेयर बनाना सीखेंगे और अगली वीडियो में उस तरह की संख्या करनी सीखेंगे। तो मान लीजिए जैसे कि हमने पिछले उदाहरण में देखा, हमने दो दो अंकों की संख्या ली थी, तो मान लीजिए दो अंक हमारे किसी संख्या के ये हैं और दो अंक मान लीजिए दूसरी संख्या के वो ये हैं। तो हमने क्या किया था, एक तो हमको दिख रहा था यहाँ ऊर्ध्व का जोड़ा पेयर, एक ऊर्ध्व का जोड़ा अंतिम था ये वाला, मैं इसको दाईं ओर से बाईं ओर ले रहा हूँ इसलिए इसको प्रथम और इसको अंतिम कह रहा हूँ, जबकि संख्या में ये प्रथम अंक और ये अंतिम अंक होता है। चलिए और त्रियक के पेयर अगर देखें तो देखिए
किसी भी पहली संख्या के अंतिम अंक से एक पेयर ये बन रहा है तो एक पेयर ये बन रहा है। अगर ये तीन अंकों की संख्या होती, एक दो तीन अंक पहली संख्या में और तीन अंक दूसरी संख्या में होते, तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारे ऊर्ध के पेयर बनते एक दो तीन, तीन पेयर तो हमारे ऊर्ध के बनते। और तिर्यक के कितने बनते, तिर्यक के बनते देखिए एक पेयर तो ये इन दोनों का, एक पेयर इन दोनों का और एक पेयर इन दोनों का। इस तरीके से हमारे तिर्यक पेयर बनते, तिर्यक जोड़े बनते। अगर चार अंकों की संख्या होती तो फिर से प्रयास करते हैं पेयर बनाने का और देखते हैं कि ऊर्ध के और तिर्यक के कितने पेयर बनेंगे। तो ऊर्ध के तो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, चार पेयर बन रहे हैं, एक दो तीन और एक ये चार। और तिर्यक के पेयर अगर बनाए, एक जोड़ा ये बन रहा है, दूसरा जोड़ा ये बन रहा है, तीसरा जोड़ा ये बन रहा है, फिर चौथा जोड़ा इन दोनों का बन रहा है, फिर पांचवा जोड़ा इन दोनों का बन रहा है, फिर छठा जोड़ा इन दोनों का बन रहा है। अब आप देखिए कि इस तरह से तो जैसे जैसे अंकों की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो ये नंबर ऑफ पेयर जो है ये बढ़ते चले जाएंगे। तो फिर हम कैसे याद करेंगे कि किस किस तरीके से हमें संख्याओं को आपस में किस क्रम में हल करके लिखना है, क्योंकि पेयर भी यहाँ पर हमने पहली बार देखा है कि पेयर हमने बनाए हैं पास पास की दो संख्याओं के जो तिरछे पेयर हैं। फिर हमने थोड़ा एक छोड़ करके पहले और तीसरी संख्या का, फिर हमने पहले और चौथी संख्या का। अब यहाँ चूंकि पेयर आपके पड़ोसी के भी बन रहे हैं, एक छोड़कर दूसरे के भी बन रहे हैं, फिर दो छोड़कर बन रहे हैं, तो यहाँ संभावित जितने भी तिरछे और जितने भी ऊर्ध जोड़े बनेंगे उन सब की हमें गुणा करके आपस में जोड़ करके उनको एक निश्चित क्रम में लिखते चलना है और तब हमारा सीधा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको अगली वीडियो में समझेंगे ऐसी गुणा करना, लेकिन आज हमने दो अंकों की गुणा करनी सीखी है और सीधा सीधा सीखी है, इसलिए मैं एक उदाहरण लेकर के उससे इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई और संख्या लेते हैं हम, हमारे पास एक संख्या है मान लीजिए 72, एक संख्या है मान लीजिए 28, तो सीधा गुणा करिए। तो पहले हम इधर से शुरुआत करेंगे दाएं से, 8 × 2 = 16, मैं सीधे हासिल को समायोजित करते हुए लिख रहा हूँ, 8 × 2 = 16 का 6, हासिल लगा 1। अब तिरछी गुणा करिए, तिरछी समायोजन कर रहा हूँ मैं, तो 8 × 7 = 56 और 2 × 2 = 4, एक साथ जोड़ा लेना है, तो 8 × 7 = 56 और 2 × 2 = 4, 56 × 4 = 60, 60 और 1 हासिल का 61, 61 का 1, अब ये हासिल खत्म हो गया, हमारा नया हासिल आ गया 6। और चूंकि सभी तिरछे पेयर पूरे हो चुके हैं, सीधा अंतिम ऊर्ध ले लेंगे, 2 × 7 = 14 और 2 × 7 = 14 और 6 ये हैं, तो 2 × 7 = 14 = 6 = 20, तो आंसर आ गया 2016। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऊर्ध त्रियक हमारा वैदिक गणित का जो तीसरा सूत्र है ये बहुत आनंददायी लगा होगा और सरल लगा होगा और व्यवहारिक भी है, इसलिए जब भी दो संख्या आपको दिखाई दे दो दो अंकों की तो सीधे गुणा कर दीजिए। चलिए इस वीडियो में तो हम दो अंकों की गुणाई ले रहे हैं, अगली वीडियो में हम इस तरीके से संभावित 3, 4, 5 अंकों की गुणा करनी सीखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अगली वीडियो का इंतजार करें। चलिए अगली वीडियो में आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ चर्चा होगी और टॉपिक होगा हमारा 2 से अधिक अंकों की 2 अंकों की संख्या में गुणा करना। तब तक के लिए धन्यवाद।